सही तरीके से नहीं टूटता। ये रोड देखिए, यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल पूरी तरह से। क्या उनको पेमेंट नहीं जा रहा है, उन सफाई कर्मियों को, उन अधिकारियों को, उन जमादार को, उन इंस्पेक्टर? रक्सौल के वार्ड नंबर 24 और ये मछली बाजार में मैं मौजूद हूँ। जब मेन रोड से जब अंदर की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए इस नाली की स्थिति क्या है। इस नाली की स्थिति को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इतनी परेशानी, इतनी बदबू और इतनी गंदगी क्यों है। क्या वार्ड नंबर दिया नहीं है? क्योंकि यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें, 24 नंबर वार्ड जो है महिला के लिए आरक्षित, तो क्या उनको घूम के, उनके पति को घूम के ये साफ सफाई की व्यवस्था देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? गंदगी इतनी ज्यादा है, इतनी परेशानी है, लोग इस कदर परेशान है, लेकिन यहाँ के वार्ड पार्षद साहब कहाँ, यहाँ के सफाई कर्मचारी कहाँ है, यहाँ के सफाई इंस्पेक्टर कहाँ? ये देखिए कितनी गंदगी है, इतनी बदबू है कि मुझे यहाँ रिपोर्टिंग करते हुए बहुत बदबू का सामना, मैं अपने नाक को ढक के लिए खबर को दिखा रहा हूँ। और ये खबर दिखाना मेरा मकसद इसलिए है, ये सफाई होनी चाहिए। क्या सफाई कर्मचारी यहाँ पे नियुक्त है कि नहीं? एनजीओ के साथ में सफाई कर्मचारी है जिनको पेमेंट पूरी तरह से सरकार मुहैया करा रही, और ऐसे में ये सफाई नहीं हो पा रही। एनजीओ के लिए अलग और सरकारी मुलाजिम अलग, दोनों के दोनों दो दो कर्मचारियों का एक फायर लिस्ट लंबी चौड़ी है, लेकिन सफाई के नाम पे ये दिखाई दे रहा। मैं ये पूछता हूँ कि अगर एक दिन गंदगी हो जाए तो चलिए चलता है, दूसरे दिन हो जाए चलता है, या तीसरे दिन, ये दो तीन दिनों का ये काम है, दो से तीन दिनों का ही काम रह गया ही। ये लगभग लग रहा है महीनों से सफाई नहीं हो रही है, तो आखिर सफाई क्यों नहीं हो रही है? काम के लिए उनको लगाया गया। ये देखो मछली बाजार दूर है यहाँ से, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 60 से 70 मीटर दूर है जहाँ मछली का बाजार है, लेकिन यहाँ पे गंदगी का अंबार है। सामने एक बार दिखा दी, ये सामने मटन की दुकान, बगल में मछली की दुकान। ये लोग आखिर, ये लोग भी सफाई करना इनका भी मकसद है। आइए इनसे पूछते हैं ये लोग क्या कुछ सफाई करते हैं नहीं करते हैं। आइए उधर की तरफ से, कैसे कैसे गंदा हुआ? आप लोग गंदा करते हैं, कोई और करता है? कौन करता है गंदा? थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए, लोग नहीं मानता है, नहीं मानते आता है कोई साफ करने के लिए? तो आता है। फिर पदाधिकारी महोदय एक बार यहाँ आते हैं और उन्होंने ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सफाई होनी चाहिए, तो सफाई कर्मचारी आखिर क्यों नहीं आते? सफाई कर्मचारियों की ये जिम्मेवारी है कि यहाँ आए और ये सफाई करें। समय समय पे गंदगी जरूर लगाई जाती है, हर जगह आप देखिए कचरा निकाला जाता है, बाहर की तरफ एक जगह रखा जाता है, लेकिन सफाई कर्मचारी की जिम्मेवारी है कि समय से आए और वहां से कचरा लेके जाए। कितनी बदबू आती है जब इधर की तरफ से लोग गुजरते, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। माध्यम से आप तक अगर वीडियो ये पहुंचेगा तो आप जरूर इस पे ध्यान देंगे, संज्ञान में लेंगे। रोड की स्थिति देख ली, ये इतना मोटा ढाला हुआ रोड है, लेकिन स्थिति देखिए, हेवी व्हीकल आते हैं, इधर से निकलते हैं, उनकी कितनी परेशानी होगी, और ऐसे करके पूरा रोड पूरी तरह से ध्वस्त होता चला जाए। तो ये रिपेयरिंग का काम, ये नाली का काम जल्दी होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे कम से कम ये रोड की स्थिति खराब ना हो, और ये साफ सफाई की व्यवस्था जिस कर्मचारी के मध्य है, जिनको साफ करना चाहिए, वो ध्यान दे और इसकी साफ सफाई कराए। धन्यवाद।